Welcome back, guys. Okay, so we're back with now the Doppler's effect, the very last topic of this chapter, wave sound. Yeah, chapter number 8, Doppler's effect. Okay, so this is our last topic of wave motion and sound. Let's get done with it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And guys, by the way, Doppler's effect ke kafi numericals aate hain. तो मतलब पास्ट पेपर्स में आपको मिलेंगे. रीसेंट ईयर्स में तो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो आए थे, एक ऑप्टिक्स का था और दूसरा कोई और आसान सा था, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स पिछले पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं. हो सकता है कि दोबारा अगर न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आ गया तो फिर ये आ जाएंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आया, जो कि मुझे नहीं लगता कि आएगा, तो फिर ये वर्डिंग वाले एमसीक्यू ज़्यादातर होंगे, जिनमें डॉपलर्स इफेक्ट के वर्डिंग वाले भी काफ़ी अच्छे खासे एमसीक्यूज बन सकते हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. डॉपलर्स इफेक्ट. ओके, व्हाट, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ डॉपलर्स इफेक्ट. व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? डॉपलर्स इफेक्ट बाय डेफिनेशन इज द अपेरेंट, सो ये टर्म अपेरेंट इज द की टर्म, इट इज द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन अ सोर्स एंड अ लिसनर. ओके, अ सोर्स एंड स्लैश और अ लिसनर मूव रिलेटिव टू वन अनदर. मीनिंग आइदर अ सोर्स, यहाँ आइदर का वर्ड भी होना चाहिए था कि आइदर अ सोर्स और लिसनर और बोथ ऑफ देम मूव रिलेटिव टू वन अनदर. तो उस मूवमेंट की वजह से, इस रिलेटिव मोशन की वजह से, देयर इज़ एन अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, एक सोर्स है साउंड की, एक ऑब्जर्वर है साउंड का, जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगी, अगर वो सोर्स मूव करने लग जाए या ऑब्जर्वर खुद मूव करने लग जाए या दोनों मूव करने लग जाए, तो जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो रियल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि वो कोई एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. इस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को ये और ये अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी ड्यू टू द चेंज इन मोशन, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स और द लिसनर रिलेटिव टू वन अनदर. इस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट. ये छह सिनेरियोज मैंने आपके सामने यहाँ रख दिए हैं और दीज आर द सिक्स पॉसिबल सिनेरियोज दैट यू कुड दैट द एग्जामिनर कुड गिव यू इन द पास्ट पेपर्स, एंड दीज आर एक्चुअली द सिक्स पॉसिबल सिनेरियोज वेयर यू कुड अप्लाई द डॉपलर्स इफेक्ट. ओके, डॉपलर्स इफेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मीनिंग द न्यू फ्रीक्वेंसी इज राइट ओवर हियर. द apparent frequency, this f prime represents the apparent frequency. Apparent frequency is equal to the velocity of the wave. Kya cheez? Velocity of the wave. Ye v jo hai na, ye velocity of wave represent kar raha hai. ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ वेव बेसिकली, जो हमारे इस केस में हम डिस्कशन हम पूरी साउंड के ऊपर करेंगे, तो ये स्पीड ऑफ साउंड है बेसिकली, क्योंकि 340 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास होती है. फिर इसके बाद VO, मतलब VO जो है ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. फिर प्लस माइनस, ये फिर से V आ गया, वही स्पीड ऑफ वेव. VS इज द स्पीड ऑफ द सोर्स इटसेल्फ, द सोर्स विच प्रोड्यूसेस द साउंड. ओके, अच्छा ये प्लस माइनस का मैं समझाता हूँ कि किस केस में कौन सी चीज़ साइन लगेगा, थोड़ी देर में समझाता हूँ. और फिर मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरी चीज़ को आप ब्रैकेट के अंदर बंद करके एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे. एफ नॉट क्या चीज़ है? एफ नॉट इज़ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड. अब एक एक करके इन केसेस पर बात कर लेते हैं, देन वी आर डन विथ डॉपलर्स इफेक्ट. पहला केस है जब सोर्स स्टेशनरी हो और लिसनर मूव करे टूवर्ड्स द सोर्स, मतलब ये आपकी सोर्स है, स्टेशनरी है, राइट. वी एस क्या हो गया आपका? ज़ीरो. और आपका जो लिसनर है ना, वो मूव कर रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वर है मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सोर्स. तो सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, सॉरी वेलोसिटी ज़ीरो है, एंड ऑब्जर्वर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सोर्स, तो आप खुद सोचें, आप किसी, लेट्स से किसी वैन कोई खड़ी है जो कि हॉर्न कंटिन्यूसली बजाए जा रही है ना, आप उस हॉर्न वाली बजाने वाली वैन के करीब जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगेगा कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि वो जो हॉर्न की आप साउंड सुन रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी एज एन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स अ सोर्स, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट, यही होगा. अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है उसे देख लेते हैं.
फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो जनरल फार्मूला है वो मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ कि v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस v सोर्स होल थिंग इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखें आप करीब जा रहे हैं ना, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, ऑब्जर्वर जब भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स जीरो है, सोर्स स्टेशनरी है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कोई मसला ही नहीं है ना। डिनोमिनेटर में तो सोर्स की जगह हम जीरो लगा लेंगे, राइट, लगा जीरो ओवर हियर, क्योंकि सोर्स की क्या कोई वेलोसिटी है, नहीं है, इट्स ज़ीरो। अब ऑब्जर्वर के लिए प्लस माइनस का मसला रह गया, ऑब्जर्वर के लिए अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। तो देखिए इसको मैंने जिस तरह से याद किया था कि जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, राइट। अगर हम यहाँ न्यूमिनेटर में प्लस लगाएंगे तो ये एफ प्राइम की जो वैल्यू होगी वो एफ से ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर जब आप प्लस लगा लेंगे तो ये एफ प्राइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जब आप माइनस लगाएंगे तो एफ प्राइम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सिंस इस केस में ऑब्जर्वर सोर्स के करीब जा रहा है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे बिकॉज एफ प्राइम की वैल्यू एफ से बड़ी होनी चाहिए। तो दिस इज़ द फार्मूला दैट वी वुड अप्लाई फॉर द वेरी फर्स्ट केस वेन एन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। एंड बाय द वे इसे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कॉमन सेंस से भी आप सोचें ना कि देखें अब एक ऑब्जर्वर है मूव कर रहा है किसी सोर्स की तरफ तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसे बढ़ती हुई सुनाई देगी। अब एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स स्टेशनरी है, तो डिनोमिनेटर में तो कोई मसला ही नहीं है, डिनोमिनेटर में आप बस स्पीड ऑफ साउंड रखेंगे और ऊपर प्लस माइनस करना है आपको। तो ऊपर आप करीब जा रहे हैं आपको प्लस लेना होगा, दूर जा रहे हैं आप माइनस करेंगे क्योंकि आपको एफ प्राइम की वैल्यू फिर कम होनी चाहिए। अब ये दूसरा केस जो है ना उसके तो मैंने आपको आंसर अभी बता दिया कि लिस्नर जब दूर जा रहा है सोर्स से और सोर्स स्टेशनरी है तो फिर क्या होगा, बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। दूसरे की इक्वेशन बन जाएगी एफ प्राइम इक्वल्स टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी, और ये पूरी चीज़ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि जब आप दूर जाते हैं किसी भी सोर्स से तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि आवाज़ कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, जिसका क्या मतलब हुआ कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी इट इज़ गोना बी लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, क्लियर। फिर तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। एंड जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है ना तो डिनोमिनेटर को आप भूल जाया करें, डिनोमिनेटर में आपको बस वी ही लगाना होता है, लेकिन जब सोर्स मूव कर रही होती है ना तो फिर आप डिनोमिनेटर को देखते हैं और न्यूमिनेटर को भूल जाते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है जिससे मैंने इसको याद रखा था। आपको अलग अलग फार्मूलाज अलग अलग सिचुएशंस के याद नहीं करने, आप बस सिर्फ इस सिचुएशन को इस फार्मूला को याद कर लें, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर और द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी शुड बी लेसर, अगर करीब जा रहे हैं तो ग्रेटर, दूर जा रहे हैं तो लेसर, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। पार्ट थ्री देखें तो सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर लिस्नर स्टेशनरी। अब क्या किया हमने, अब हमने सोर्स को मूव कराना शुरू कर दिया, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने वाली सोर्स है ना, जैसे कोई वैगन है, कोई एम्बुलेंस है, वो दूर से आ रही है, आपके किसी जगह पे खड़े हैं तो आपको क्या लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो साउंड है वो बढ़ रही है, राइट, बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये आप ऑब्जर्वर हैं ये रहे और ये सोर्स है और सोर्स आपके करीब जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ वी एस के साथ, तो फिर क्या होगा, एफ प्राइम आपको ऐसा लगेगा कि रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि सोर्स आपके करीब आ रही है इसलिए। अब फार्मूला क्या लगेगा, अब देखें आप सोर्स मूव कर रही है ना तो आप न्यूमिनेटर को भूल जाए, न्यूमिनेटर में आप वी लगा लें, आप डिनोमिनेटर में वी प्लस माइनस वी एस करना है, राइट, ये फार्मूला अब लगना है। अब आपके करीब आ रही है ना तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी एफ प्राइम की वैल्यू छोटी होगी, ये याद रखिएगा, यहाँ उल्टा है। जो पहली वाली एग्जाम्पल थी ना उसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी थी एफ प्राइम की वैल्यू उतनी बड़ी थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होती है एफ प्राइम की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, ठीक है, ये की डिफरेंस याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर सोर्स हमारे करीब आ रही है, सोर्स अगर करीब आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एफ प्राइम की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड इफ एफ प्राइम इज गोना बी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वी नीड टू प्लेस अ नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर टू गेट अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर सो दैट वी कुड गेट अ लार्जर वैल्यू ऑफ द एफ प्राइम। सो यहाँ पर वी माइनस वी एस लग जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन ये बन गई। अब फोर्थ सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन अगर आप देखें यहाँ पर उसमें सोर्स आपसे दूर जा रही है, अब सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर अब भी स्टेशनरी है, सोर्स जब आपसे दूर जा रही है ना तो फिर क्या होगा, एफ प्राइम आपसे छोटा हो जाएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम आपको सुनाई देगा, राइट, आपको ऐसा लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है।
मतलब साउंड उसकी कम हो रही है. सो नाउ द फार्मूला बिकम्स एफ प्राइम इक्वल्स टू, अच्छा अब अगेन हम सोर्स को डील कर रहे हैं ना, तो न्यूमिनेटर को तो नहीं छेड़ेंगे, वहाँ पर तो सिर्फ वी लगा लेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर को सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए प्लस माइनस लगाते हैं, सोर्स के लिए हम डिनोमिनेटर को प्लस माइनस करते हैं. ठीक है, अब क्या हो रहा है, सोर्स आपसे दूर जा रही है, सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम यू. इफ द सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, दिस डिनोमिनेटर शुड बी लार्जर, राइट, शुड बी लार्जर सो दैट एफ प्राइम कुड बी स्मॉलर देन एफ. इफ दिस इज गोना बी लार्जर, सो लार्ज करने के लिए यहाँ पर मुझे प्लस लगाना होगा, तो इस केस में एफ प्राइम इज गोना बी शॉर्टर देन एफ, स्मॉलर देन एफ एक्चुअली. सही है, अब इसके बाद पार्ट फाइव को देख लेते हैं. पार्ट फाइव इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आ चुका है कि बोथ मूविंग टूवर्ड्स वन अनदर, सोर्स और स्टेशन और ऑब्जर्वर, अब दोनों स्टेशनरी नहीं है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब आप भी किसी एम्बुलेंस के करीब जा रहे हैं और वो एम्बुलेंस भी आपके करीब आ रही है. इस केस में क्या होगा, ये सोर्स आपके करीब आ रही है, ऑब्जर्वर भी उसके करीब जा रहे हैं, तो अब भी आपको क्या लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है या कम हो गई है, सोचिए, ऑब्वियसली बढ़ गई है, राइट. आप किसी एम्बुलेंस के करीब जाएंगे, आपको उसकी आवाज़ सुनाई तेज़ होते हुए सुनाई देगी, राइट. अब इस केस में क्या करना है, अब सिंस बोथ ऑफ देम आर मूविंग, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो हमें न्यूमिनेटर में भी चेंजेस करनी होगी, डिनोमिनेटर में भी चेंजेस करनी होगी, और ऐसी चेंजेस करनी होगी जिससे एफ प्राइम की वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन एफ. सो अब आप दोबारा वो फार्मूला लिखें, वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस एंड द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई एफ. न्यूमिनेटर को आप जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर से ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है, और डिनोमिनेटर को जितना छोटा करेंगे उतना इसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आप माइनस और न्यूमिनेटर में आप प्लस लगा लेंगे, तो इससे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, एफ प्राइम वुड बी लार्जर देन एफ, एंड दिस इज़ ट्रू व्हेन बोथ द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स आर मूविंग टूवर्ड्स वन अनदर. एंड देन लास्ट केस जो कि ऊपर मैंने लिखा है वो ये है कि दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये दूर जा रहे हैं तो बस इसका उल्टा कर दें. अब आपको एफ प्राइम एफ से छोटी नज़र आएगी क्योंकि आप जैसे जैसे दूर जा रहे हैं किसी एम्बुलेंस से तो वैसे वैसे उसकी आवाज़ कम होती चली जाएगी. सो नाउ एफ प्राइम इज़ गोना बी, अगेन वो दोनों फार्मूलाज लिख लें, ये फार्मूलाज मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि यही एक फार्मूला है जो याद करना है डॉपलर्स इफेक्ट के लिए. अब आपसे दूर जा रही है तो इस डिनोमिनेटर को बड़ा कर दें और न्यूमिनेटर को छोटा कर दें ताकि एफ प्राइम की वैल्यू छोटी हो जाए. तो डिनोमिनेटर को बड़ा कर छोटा करने के लिए माइनस और न्यूमिनेटर को बड़ा करने के लिए सॉरी डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए प्लस और न्यूमिनेटर को छोटा करने के लिए माइनस साइन लगा लेंगे, ठीक है. एफ प्राइम की वैल्यू इज बिकमिंग लेस देन एफ. अब ये तो जब दोनों दूर जा रहे हैं, अब एक लास्ट एक और एग्जांपल भी हो सकती है, क्या पता दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर स्टेशनरी हों, सोर्स की भी कोई मोशन नहीं है और ऑब्जर्वर का भी कोई मोशन नहीं है, तो फिर एफ प्राइम जो है वो एफ के ही इक्वल होगी, कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट का क्या कब होता है, जब व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर. और हाँ एक और एग्जांपल भी हो सकती है, क्या पता सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम स्पीड के साथ जा रहे हो, ठीक है, मतलब सोर्स भी 200 मीटर्स पर सेकेंड के साथ जा रही हो, ऑब्जर्वर भी 200 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड के साथ जा रहा हो, फिर क्या करेंगे भाई, इट्स द सेम एज दिस एग्जाम्पल, यहाँ भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, मतलब रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ वन रिलेटिव टू द अदर इज जीरो, तो इसमें भी कोई अपेरेंट चेंज नहीं आएगा, एफ प्राइम वुड बी इक्वल टू एफ. थैंक यू सो मच गाइज़.